नमस्कार दोस्तों, मैं राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर स्टॉक गुरु में। दोस्तों, हम जो स्टॉक एनालिसिस करेंगे उसका नाम है जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड। दोस्तों, मैं वीडियो बाहर बना रहा हूँ, बैक साइड में कुछ आवाज़ें आ सकती हैं। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी स्टॉक ट्रेड हो रहा है 1.95 रुपये पे। लेकिन तो आप लोगों को चार्ट पे वहाँ पे चेक करेंगे स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। स्टॉक ने मैक्सिमम टाइम में जो रिटर्न दिया है वो दिया -97.87%, 5 ईयर्स में रिटर्न दिया है -73.65%, 1 ईयर रिटर्न दिया है 56%, ईयर टू डेट रिटर्न दिया है -4.88%, 6 मंथ में रिटर्न दिया है 18.18%, 1 मंथ में रिटर्न दिया -11.36%, 5 डेज में रिटर्न दिया है -2.50%, एंड 1 डे में रिटर्न दिया है -4.88%। दोस्तों, हम आ गए स्क्रीन वेबसाइट पे। यहाँ पे ऑडिटेड एनालिसिस करेंगे जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड का। कंपनी के बारे में जानते हैं। जेपी इंफ्राटेक इज द कंसेनर फॉर यमुना एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट विच इंटर आलिया इंक्लूड कंस्ट्रक्शन ऑफ 165 किलोमीटर्स लॉन्ग 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे from Greater Noida to Agra with provision for expansion to 8 lane with service road। जैसा कि नाम से ही लगता है कि ये कंपनी एक्सप्रेस वे बनाती है, इसने यमुना एक्सप्रेस वे बनाया हुआ है। मैं ले चलता हूँ आप लोग को इसकी वेबसाइट पर। दूसरी वेबसाइट है जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड की। जैसा कि देख पा रहे हैं, काफ़ी शानदार वेबसाइट बनाई इन्होंने। आपको और जानकारी चाहिए वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हैं। इसकी जो मार्केट कैप है 278 करोड़ की है। इसकी जो करंट प्राइस है 2 रुपीज़ की है। का जो 52 वीक हाई है 4 रुपीज़ 21 पैसे का है। 52 वीक जो लो है 1 रुपीज़ 20 पैसे का है। की जो बुक वैल्यू है -32.7 रुपीज़ की है। डिविडेंड यील्ड 0 की है। ROCE है 3.28% की है। कि जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ की है। दोस्तों, ये चार्ट है जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड का। जैसा ही देख पा रहे, पिछले एक सालों में स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। कि कौन चेक करते हैं, कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है, कम है। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज ऑफ ₹1,828.45 करोड़। कंपनी के ऊपर कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ है 1,828.45 करोड़ की। प्रमोटर हैव प्लेस 83.63% ऑफ देयर होल्डिंग। प्रमोटर के पास जितने भी शेयर है उसमें से उन्होंने 83.63% शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं। डिबेटर्स डेज हैव इंक्रीज फ्रॉम 64.46 टू 101.67 डेज। डिबेटर्स डेज बढ़ा हुआ है 64.46 से बढ़ के ये 101.67 डेज का हो चुका है। कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरोविंग सीम्स है, ऐसा प्रतीक होता है कि कंपनी ने जो उधारी ली है उसकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग है वो ज़्यादा है। पीयर कंपनी चेक करते हैं, ये कंपनी जो काम करती है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स एंड ऑपरेटर सेक्टर में काम करती है। इसकी जो इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन की है। सेक्टर नंबर वन कंपनी जो है दिल्ली बिल्डकॉन है, देन आईआरबी इंफ्रा, उसके बाद इरकॉन इंटरनेशनल है, देन जय कुमार इंफ्रा है, देन नंबर 5th पे लिखिता इंफ्रा है, देन नंबर 6th पे
MEP इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड नंबर 7 पे JP इंफ्राटेक है। इसको क्वार्टर रिजल्ट चेक करते हैं। सितंबर 2018 में इसका जो नेट प्रॉफिट था वो था -368 करोड़ का, और सितंबर 2021 में जो इसका नेट प्रॉफिट था वो था -614 करोड़ का। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं। मार्च 2014 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी वो थी 298 करोड़ की, और मार्च 2021 में जो इसकी नेट प्रॉफिट वो है 1963 करोड़ की। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स में 23%, 3 ईयर्स में 61%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर्स में -1%। स्टॉक प्राइस CAGR 10 ईयर्स में -26%, 5 ईयर्स में -23%, 3 ईयर्स में -10%, 1 ईयर में 54%। बैलेंस शीट चेक करते हैं। मार्च 2014 में जो इसकी शेयर कैपिटल थी वो थी 1389 करोड़ की। अब सितंबर 2021 में इसकी जो शेयर कैपिटल है वो है 1389 करोड़ की, इसमें कोई बदलाव नहीं है। मार्च 2014 में इसके बाद जो रिजर्व्स थे वो थे 4664 करोड़ के, और सितंबर 2021 में इसके बाद जो रिजर्व है -5930 करोड़ का रिजर्व कम हुआ है। मार्च 2014 में इसकी जो बॉरोइंग थी 8674 करोड़ की थी, और सितंबर 2021 में जो इसकी बॉरोइंग्स है 8626 करोड़ की है। यहाँ पे जो बॉरोइंग है वो कम हुई है। मार्च 2014 में जो इसकी अदर लाइबिलिटीज थी वो थी 5908 करोड़ की थी, और सितंबर 2021 में जो इसकी अदर लाइबिलिटीज़ है वो है 20108 करोड़ की। अदर लाइबिलिटीज़ बढ़ी हुई है। मार्च 2014 में जो इसकी टोटल लाइबिलिटीज़ थी वो थी 20636 करोड़ की, और सितंबर 2021 में जो टोटल लाइबिलिटीज़ है वो है 24193 करोड़ की। तो टोटल लाइबिलिटीज़ बढ़ी हुई है कंपनी की। मार्च 2014 में जो इसकी फिक्स एसेट थी वो 9654 करोड़ की थी, और सितंबर 2021 में जो इसकी फिक्स एसेट है वो है 10774 करोड़ की। यहाँ पर फिक्स एसेट बढ़ी हुई है। मार्च 2014 में जो इसकी CWIP थी वो थी 1035 करोड़ की, और यहाँ पे सितंबर 2021 जो इसकी CWIP है वो है 0 करोड़ की, वो कम हुई है। मार्च 2014 में जो इसकी इन्वेस्टमेंट थी वो 0 करोड़ की थी, और सितंबर 2021 में जो इसकी इन्वेस्टमेंट्स है वो 0 करोड़ की, वहाँ पर कोई बदलाव नहीं है। मार्च 2014 में जो इसकी अदर एसेट्स थी वो थी 9947 करोड़ की, और सितंबर 2021 में जो इसकी अदर एसेट्स है वो है 13419 करोड़ की। यहाँ पर अदर एसेट्स बढ़ी हुई है। मार्च 2014 में जो इसकी टोटल एसेट्स है वो है 20636 करोड़ की, और सितंबर 2021 में जो इसकी टोटल एसेट्स है 24193 करोड़ की है। जो इसकी टोटल एसेट्स है वो बढ़ी हुई है। कैश फ्लो चेक करते हैं। मार्च 2014 में जो इसकी नेट प्रॉफिट नेट कैश फ्लो था वो था 146 करोड़ का, और मार्च 2021 में जिसका नेट कैश फ्लो है वो है 199 करोड़ का। नेट कैश फ्लो बढ़ा हुआ है। रेशियो चेक करते हैं। मार्च 2014 में जो इसकी कैश कन्वर्जन साइकिल थी वो थी 15 डेज़ की, और मार्च 2021 में जो इसकी कैश कन्वर्जन साइकिल है वो है 102 डेज़ की। कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़ी हुई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। दिसंबर 2018 में प्रमोटर पास जो शेयर थे 60.98% शेयर्स थे, और सितंबर 2021 में प्रमोटर पास जो शेयर हैं 60.98% शेयर्स है। तो यहाँ पे प्रमोटर की शेयर होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। दिसंबर 2018 में फाइज के पास जो शेयर थे 0.80% शेयर्स थे, और सितंबर 2020 में फाइज के पास जो शेयर हैं 0% शेयर्स है। FI ने यहाँ पर अपनी शेयर होल्डिंग बेच दी है। दिसंबर 2018 में DI के पास जो शेयर थे 8.16% शेयर्स थे, और सितंबर 2021 DI के पास जो शेयर हैं 3.41% शेयर्स हैं। तो यहाँ पर DI की शेयर होल्डिंग में कमी आई है। दिसंबर 2018 में पब्लिक के पास जो शेयर थे 30.05% शेयर्स थे, और सितंबर 2021 में पब्लिक के पास जो शेयर हैं 35.61% शेयर्स है। तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग बढ़ी हुई है।
तो दूसरे स्टॉक में जो मेजर शेयर होल्डिंग है प्रोमोटर्स के पास ही है, 60.98% शेयर प्रोमोटर्स के पास है। डीआई के पास 3.41% शेयर्स हैं और पब्लिक के पास 35.61% शेयर्स हैं। दोस्तों हम डिटेल एनालिसिस किया जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड का। दोस्तों पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही करना है। किसी भी शेयर में निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।